माँ, अरे मेरी टाई कहाँ है? मुझे देर हो रही है यार। माँ, मेरा ब्रेकफास्ट दे दो ना प्लीज, आई एम गेटिंग लेट। अरे भाई सुशीला, ओ सुशीला, अरे भगवान, मेरे जूते कहाँ है भाई? ओ क्यों सुबह सुबह तुम सब एक साथ मुझ पर आक्रमण क्यों करते हो? जूते डाइनिंग टेबल पर टांग दिए। क्या? हाँ, एक साथ सवाल करोगे तो ऐसे जवाब मिलेंगे, वन बाय वन पूछोगे तो वन बाय वन सबके जवाब दूंगी। मुझे देर हो रही है। टाई अलमारी से निकालकर ड्रेसिंग चेयर की पीठ पर टांग दी है मैंने। ओके ओके बाय माँ, प्लीज मेरा ब्रेकफास्ट जल्दी से दे दो, आई एम गेटिंग लेट। तुम्हारा ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर ढककर रख दिया है और आपके जूते शू रैक से निकालकर पॉलिश करके एग्जिट डोर के पास रख दिए गए हैं। अरे वाह, कमाल है भाई। पर आप लोग ये बताओ कि मैं ये काम रोजाना रोजाना कब तक करती रहूंगी? आप लोग अपने अपने पैरों पर कब खड़े होंगे? अपने काम खुद कब से करना शुरू करेंगे? अब मेरी उम्र भी तो 35 पार हो रही है, मुझे भी अपनी जिंदगी के लिए कुछ टाइम मिलना चाहिए या नहीं? नौकरानियों की तरह सिर्फ काम करते रहने के लिए ये दुगनी उम्र के आदमी से शादी नहीं करी है मैंने। आप लोग इस बात को समझ ले तो अच्छा है, वरना मुझे दूसरे तरीके से समझाना भी आता है। हाँ, कह देती हूँ। ओके ओके, रिलैक्स ना, रिलैक्स, कल से हम सब ध्यान रखेंगे। यस यस डियर, यस, रिलैक्स। ओके बाय। तो फाइनली मैं निकल जाऊँ वॉक पर? हाँ भाई, जल्दी निकलो तो मुझे भी दूसरे कामों की समझ पड़े। और हाँ, अब जा ही रहे हो तो वापसी में आलू, भिंडी, गोभी और टमाटर भी ले आना। और हाँ, कल की तरह आज भी पपीता लाना भूल मत जाना, कितनी बार कह चुकी हूँ आपको। ओके ओके डियर, ओके, ले आऊंगा, रिलैक्स, चलो बाय बाय। अब वापस घर चलने से पहले मार्केट से सब्जी ले लिया। यही तो सब्जी वाला, अच्छा ये तो जो अच्छा मेरा पड़ोसी वाला है। ओके चलो, इसी के ठेले से सब्जी ले लो। अरे ले लो जी, ले लो सब्जी, आलू, भिंडी, टमाटर, गोभी, माल भी ताजा है, दाम भी आधा, कहीं और न मिलेगी ऐसी सब्जी। ले लो जी, ले लो सब्जी, आलू, भिंडी, टमाटर, गोभी, ले लो जी, ले लो या सब्जी। अरे रुकेगा तो लेंगे कि ऐसा चलता ही रहेगा? रुक जा पड़ोसी, रुक जा। क्या बात है, क्या बात है। चल भाई चल, आलू दे रहे। आलू कैसे है तेरे? आलू बिल्कुल वैसे कल जैसे दिए थे वैसे के वैसे ही आज भी। अरे सॉलिड है ना, फस फसे तो नहीं है? अरे ना जी ना, एकदम परफेक्ट आलू है, एकदम ठोस देसी। चावल की खुशाई का गुम होने आ जाए नाम बदल देना। और फिर ये जूते मारेगा वो बहुत आएगा। ये तो वही बात हुई ना, जिसकी करनी उसी की भरनी। पड़ेंगे, अरे तू कभी नहीं सुनेगा रे पड़ोसी कद्दू। चल चल ठीक है, प्लस 2 किलो आलू दे दे। हाँ हाँ, निकालता हूँ निकालता हूँ, एकदम बढ़िया, छाट छाट के। और क्या निकाल दू बाबूजी? और चल एक काम कर, भिंडी दे दे 1 किलो है, और गोभी आधा किलो, और टमाटर भी दे दे 1 किलो दे दे। और हाँ, 10 नींबू और पाव भर अदरक जरूर निकाल देना रे भैया, आजकल कोरोना से बचाव बहुत जरूरी हो गया है ना। तूने भी सुना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल सुना था। सुना ना, अगर तुमको भगाना है कोरोना तो 3 बार गर्म पानी नींबू और 4 बार गर्मा गर्म अदरक की चाय पीना शुरू कर देना कोरोना। अरे बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। ये लो, ये सारा का सारा आपका सामान, ये पकड़ो। चल ये पेमेंट ले भैया तेरा, कितने हुए? 500 ये 5। चलो ठीक है जी,
ले सब्जी ले लो और भिंडी आलू टमाटर ले लो। ये कैसा विचित्र बाबा आ रहा है यार, रेस तो साधु का, चश्मे कितने लटका रखे इसने, कपड़े गागल बाबा दिखता है मुझे। अलोक निरंजन बाबू, मैं नहीं बेचता साधु, मेरे पास में आओ और दिव्य दृष्टि ले जाओ। ओ, प्रणाम बाबा प्रणाम। ये आजकल साधु बाबा लोग सेल्समैन क्यों होते जा रहे हैं बाबा? अरे क्योंकि भक्त लोग भी भक्त नहीं बचे, सब खरीदार हो गए हैं। बच्चा ये आ जा बच्चा और मेरे चश्मे ले जा। अच्छा क्या खूबी है आपके चश्मे में जरा ये तो बता। धूप में चमकने वाले रंगों से मुक्ति दिला देता है ये चश्मा, जिंदगी की असलियत दिखा देता है ये चश्मा। ब्लैक को ज्यादा ब्लैक और वाइट को कम वाइट बना देता है ये चश्मा। मेरे चश्मे को लगाता है दुनिया की असलियत जान जाता है। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं बच्चा? घर में सुशीला, ईमानदारी का पुतला है मेरा बेटा, रवि सच्चिदानंद, और मेरी नाक की तरह लंबी और प्यारी सी बिटिया है पीना। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हो बाबा? हाँ ताकि मैं समझ सकूं कि तुझे कौन सी दिव्य दृष्टि देनी है। मेरा मतलब है चश्मा। बस ऐसा कोई चश्मा दे दीजिए बाबा कि जिंदगी की धूप में छांव का एहसास हो। ऐसे तेरी इच्छा, ये ले जा। हाँ हाँ अच्छा अच्छा रुक रुक, ये नहीं, ये ले जा, ये वाला ले जा बच्चा। क्यों इसमें क्या खूबी है बाबा? तू इसको जब लगाएगा तो जो जैसा है उसको वैसा देख पाएगा। ये चश्मा तुझे दुनियादारी की धूप से बचाने के लिए अलौकिक ठंडी छांव जैसी शीतल दृष्टि और अभूतपूर्व श्रवण शक्ति देगा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है बाबा, वाह, माल बेचने की कलाकारी तो आपसे सीखना चाहिए। बोलता बहुत अच्छा है बाबा। चलो यही दे दो, कह रहा है तो चलो। कितने पैसे दो? अरे जो तेरी श्रद्धा भक्ति वो दे दे बच्चा। बच्चा ठीक है तो 100 रुपए दे दू, चलेगा? दे दे बच्चा, जो तेरी मर्जी हो वो दे दे, 100 देना है 100 दे दे, बस खुद सोना बंद कर दे। जागृत हो जा बच्चा, जाओ जा, जाओ जा। देखो चश्मा तो असली है, तो चपत लगा गया। असली है चश्मा तो सही है, और 100 रुपए बुरा भी नहीं। पर ये बाबा था कौन, कहां से आया था और कहां चला गया? मुझसे मिला तो आखिर क्यों नहीं है? अरे सुशीला, ओ सुशीला पानी ले आ गई। हाँ आई, कितनी देर लगा दी, कितनी बार कहा है कि इतना काम मत किया करो, रवि अभी जिंदा है। अरे सुशीला तू क्यों चिंता करती है, अभी तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, रवि तक बात बाद में जाएगी। अच्छा चल देख बाजार से क्या क्या लाया हो, तेरी सब्जियां सब ले आया हूँ और साथ में लाया हूँ ये चश्मा। लगता है बुड्ढा खिसक गया है, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या उठा कर ले आता है घर को, कबाड़ खाने समझ कर रखा है, जल्दी मरे तो पीछा छूटे। ऐसे भी राकेश मेरा कब से इंतजार कर रहा है। राकेश ये मैं क्या सुन रहा हूं, ये कहीं इस चश्मे का कमाल तो नहीं है? बाबा ने कहा था अद्भुत श्रवण शक्ति देगा, हे भगवान
लेकिन ये क्या सुनना पड़ रहा है मुझे? ये बाहर से तो इतने सुशील सभ्य शांत और अंदर से इतने घिनौने। राकेश राकेश राकेश, ये राकेश आखिर है कौन? पिताजी मैंने बिजनेस के बारे में कुछ सोचा है। अच्छा बताओ क्या सोचा? ना हरगिज नहीं। नो नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अरे पिताजी, अब पिताजी इसमें हारजी क्या है? थोड़ी सी बेईमानी और ढेर सारा मुनाफा। थोड़ी सी बेईमानी? बेईमानी क्या मतलब है? आम जनता के साथ धोखा? मेरे जीते जी, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। कान खोल के सुन ले बेईमान। क्या हुआ, क्यों डांट रहे हो मेरे बेटे को? समझाओ। सुन लो, तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है सुनो जरा। ठीक ही तो कह रहा है मेरा रवि, इसमें हर्जा ही क्या है? बेईमानी का तो जमाना है। आज की दुनिया में आखिर ईमानदारी से चलता कौन है बताओ? देखो, तुम लोगों को जो कहना हो जो करना हो करो, लेकिन मैंने बचपन से आज तक ईमानदारी से काम किया है और मरते दम तक ईमानदारी से ही काम करूंगा। बेईमानी मेरे साथ नहीं होगी। ठीक है ठीक है ठीक है पिताजी, आप जैसा कहें, पर आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहेगा। लगता है चश्मा पहन कर देखना पड़ेगा आखिर ये दोनों क्या बड़बड़ा रहे हैं, क्या फुसफुसा रहे हैं, कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं दोनों वहां बेटे। अरे ये ईमानदारी का बूटा जल्दी मरे तो पीछा छूटे, फिर सारी संपत्ति का मालिक बन जाऊंगा। उठा ले भगवान इसको, उठा लिया। भगवान ये मेरा बेटा कह रहा है, उठा ले भगवान उठा ले। कुछ कहा आपने? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने। सुनिए जी, पार्टी में नहीं जाना है क्या? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? पार्टी में ही तो जाने के लिए कहा है, जब देखो तब बाहर की भड़ास घर पे आकर निकाल देते हो। बोल दिया ना एक बार, मुझे कहीं नहीं जाना मतलब नहीं जाना। तुम लोगों को जहां जाना जाओ। आज तो यकीन हो गया है कि बुट्टी सच में सिटक गया है। अच्छा है, नहीं जा रहा है। वैसे भी राकेश मेरा कब से इंतजार कर रहा है, मैं तो राकेश के साथ ही चली जाऊंगी। राकेश ये राकेश 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 आखिर है कौन ये राकेश? राकेश का बच्चा मुझे बुट्टा बोलती है, मुझे बुट्टा बोलती है। राकेश के साथ चली जाऊंगी। राकेश के साथ? राकेश मुआ मैं तो छोड़ चली बाबुल का दोस्त, बबलू का घर प्यारा लगी। अरे ये टीना सुबह सुबह क्या कर रही है? गाना गा रही है और कहीं जा रही है? कहाँ जा रही है? चश्मा पहन के देखता हूँ। ये बबलू अभी तक आया क्यों नहीं? इतनी मुश्किल से मैंने माँ के गहने चोरी किए हैं, अगर ये बुढ़ा उठ गया ना तो मुझे तो कच्चा ही चबा जाएगा। हे भगवान, बबलू थोड़ा जल्दी आया, क्या है कहाँ है कहाँ है? हे भगवान हे भगवान, ये देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया तुमने? हे भगवान, आज तक मैं धोखे में जी रहा था, आज मेरे अपने मेरी सारी संपत्ति लूटने के लिए पीछे पड़े, मुझे मारने पे तुले ये सब के सब। हे भगवान, घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग।
भिंडी टमाटर गोभी सब्जी ले लो सब्जी। आलू गोभी खाने वाले कभी टमाटर भी खाया करो, बगल में रहने वाले कभी सब्जी लेने भी आया करो, सब्जी ले लो सब्जी। अरे रोबर्ट खोल ना इसके बाद छोड़ा कुछ नहीं तो देसाई है। अरे देसाई जी आज जैसे महान सब पर आज क्या सुशीला देवी जी ने जल्दी सब्जी लाने भेज दिया है। अरे वो सुशीला देवी मत बोल, देवी नहीं है वो पुलटा है पुलटा, नाम मत ले उसका मेरे सामने। क्या हो गया? अरे तेरा बेटा तो है ना, ईमानदारी का पुतला रवि। अरे काय का ईमानदारी का पुतला, बेईमानी का पुतला है, बेईमानी का पुतला बेईमान। अरे जो मानव पत्नी ऐसी है बेटा ऐसा है। अरे देसाई तुम्हारी बिटिया भी तो है प्यारी सी टीना। टीना? वो टीना नहीं है, रेटिना है, रेटिना। रेट की तरह मेरी सारी जायदाद को कुतर कुतर के खा लेना चाहती है, जाने किसके साथ भाग जाना चाहती है। आज जाके मेरी आंखें खुली है, आज जाकर आंखें खुलते ही मैंने छोड़ दिया उस घर, आ गया हूं बाहर में, सड़क पे आ गया हूं मैं, एकदम सड़क पे आ गया मेरे पड़ोसी। अरे देसाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुम्हें सच्चे सुख और शांति की अनुभूति होगी। कहां इस धन में दुख भरी दुनिया में ऐसा सच्चा सुख और सच्ची शांति कहां मिलेगी रे पड़ोसी? मिलेगी 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 बाबा, तू चल तो सही मेरे साथ। अरे मैं बर्बाद हो गया हूँ इस घर में, ले जा मेरे भाई, भाग फूट गया मेरे, चिंता कर यार, कौन देगा मुझे सुख और शांति? चलेगा यानी चल चल चल, तू कहता है तू चल। क्या लिखा है यहाँ पर? ब्रह्मा कुमारी, यही मिलेगी अब शांति सुख और चैन। चल मैं चला, तू अंदर जा। अच्छा हाँ ठीक है, क्या तो ले लो, ले लो, ले लो साहब जी। अरे अंदर जाना यार तू। हाँ हाँ ले लो रे साहब जी, ले लो आलू भिंडी टमाटर ले लो, ले लो ले लो। ओ शांति हाँ जी कहे नमस्ते बहन जी, मुझे वो सब्जी वाला भैया है ना ले लो ले लो ने भेजा है। अच्छा वो कह रहा था कि आपके यहाँ पर सुख और शांति की। जी 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 आप आइए बैठिए, यहाँ पर बैठिए, मैं भी पानी लेकर आती हूँ। जी ठीक है, बाबा का चश्मा लगा के देखता हूँ कहीं ये लोग भी तो वसील शान है। आप इस आत्मा की मदद करना बाबा, इसकी झोली ज्ञान रत्नों से भर देना, इसकी सारी परेशानियां दूर कर देना मेरे मुझे बाबा, इसकी मदद करो। बहन जी मैंने आपको कितना गलत समझा, पर आप तो देवी हैं, देवी एकदम देवी। मेरे घर परिवार वाले तो जिनको मैं अपना समझता था मुझे लूट में पड़ा हुआ जाते, रात पराई होकर भी सच्ची मन से मेरी मदद करना चाह रही है। मेरे प्रति आपकी इतनी अच्छी भावना है। देखो भाई ये सृष्टि रूपी रंगमंच है,
जहाँ सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। किसी के निश्चित पार्ट को हम नहीं बदल सकते, और यदि हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। शायद आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, एकदम सही। लेकिन बहन, जब अपनों से धोखा मिलता है ना, तो आदमी स्वयं को बहुत अकेला, उपेक्षित, तिरस्कृत महसूस करता है। मेरे मीठे भाई, वास्तव में तो हम सब अकेले ही हैं। अकेले आए थे, इस दुनिया में अकेले आए हैं, और अकेले ही इस दुनिया से वापस जाना है। ये वास्तविकता को जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक हम बहुत दुखी रहेंगे। तो बहन जी, मुझे बताइए ना, बताइए ना, मैं क्या करूं, क्या सोचूं? आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है मनसुख भाई देसाई। देसाई जी, दुखों से मुक्त होने का सबसे सरल उपाय है अपने को आत्मा समझना। आत्मा को सुख और शांति के लिए कोई धन, कोई वैभव, कोई पद या कोई संबंध की आवश्यकता है ही नहीं। अच्छा। आत्मा की समझ हमें स्वतः ही सब कुछ प्राप्त करा देती है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है बहन जी। और सुनिए जैसा जी, हम सर्व आत्माओं का भी एक ही पिता है, परम पिता शिव परमात्मा, जिनके साथ हमारा एक सच्चा रिश्ता है। अच्छा। और उस परमात्मा शिव ने ही हम सबसे ये वायदा किया है कि अंत तक वो हमारा साथ निभाएंगे। जब विश्व की सबसे ऊंची सत्ता हमारे साथ है, तो किस बात का दुख और किस बात का गम है, है कि नहीं? ठीक कह रही हैं आप। है ना? तो आइए दो मिनट के लिए हम उस परमात्मा का, उस सच्ची पिता का स्मरण करते हैं। आइए आइए जी, आइए बैठिए, यहाँ पर बैठिए जी। सर्वशक्तिमान भगवान है। यहाँ मैं अपने दुख का मलाल लेकर आया था, और यहाँ से अनंत खुशियां लेकर जा रहा हूं। यहाँ आकर बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा है। भगवान के बिस्तर पर मैं रोज आऊंगा, रोज ज्ञान सुनूंगा, रोज अपने आप को शक्तिशाली बनाऊंगा, है ना? अच्छा बहन जी, अभी चलता हूं। ओम शांति, ओम शांति।
तुम्हें तो कहा जैसे घर तुम्हें तो कहा